हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं फालूदा सेव। घर पर ही बनाएंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों के सीजन में हमें कुल्फी या फिर ड्रिंक्स, फालूदा ड्रिंक्स, बहुत सारे चीज़ें हैं इसको बनाने के लिए इसके साथ। तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। वेलकम इन फूड्स लाइव। फूड्स लाइव को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। केसर 10 से 12 पानी में भीगा हुआ, 2 टेबल स्पून शुगर, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर 1/2 कप, पानी 2.5 कप, एक इक्विपमेंट सेव बनाने के लिए फालूदा सेव। अब हम इस इक्विपमेंट को ग्रीस कर लेंगे विद ऑयल और सम घी, ताकि मिक्सचर इसमें चिपके नहीं और इजीली निकल जाए। तो हम ये सारी तैयारियां करके रख लेंगे, फिर हम मिक्सचर को तैयार करेंगे। अभी हम एक बड़ा बोल लेंगे। अब हम इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं फालूदा सेव बनाने के लिए, कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर कुछ भी ले सकते हैं आप। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। अब इसी सेम कप के मेजरमेंट्स में हम 2.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप हमने डाल दिया है। अब ये दूसरा कप और थोड़ा और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, ये ध्यान रहे आपको। अच्छे से मिक्स करना है, शुगर डिजोल्व करनी है और लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इस तरीके से मिक्स करना है। अभी हम यहाँ पे एक चिल्ड वाटर के लिए ये ग्लास का बोल तैयार करेंगे। बोल हमें थोड़ा सा बड़ा और ब्रॉड लेना होगा। अब हम इसमें थोड़े बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। पानी चिल्ड होना चाहिए। इसी में हम फालूदा सेव निकालेंगे। अभी जब तक ये चिल्ड होता है, तब तक हम सेव बनाने का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम ये मिक्सचर स्टर करते हुए इसमें डालेंगे, ताकि लम्स ना पड़े और मिक्सचर चिपके नहीं। बराबर चलाते रहेंगे, ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। इस तरीके से बराबर हम चलाते रहेंगे और फ्लेम हमारी बिल्कुल सिम हो जानी चाहिए। सिम कर देंगे हम फ्लेम, वरना ये मिक्सचर चिपकेगा और जलेगा। इस तरीके से हम बराबर चलाते रहेंगे, एक ग्लॉसी मिक्सचर तैयार होने तक इसे कुक करेंगे। ये इस तरीके से मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, ग्लॉसी हो गया है, देखिए। अब हम इसे गैस फ्लेम से हटा देंगे, बंद कर देंगे गैस फ्लेम, और तुरंत गरम गरम मिक्सचर हम इस इक्विपमेंट में डाल देंगे। ध्यान रहे कि मिक्सचर ठंडा ना हो, वरना बनने में दिक्कत होती है। इस तरीके से अब हम इसको बंद करेंगे फटाफट। इसमें इस तरह से सेव हम इसमें निकाल लेंगे ठंडे पानी में। अभी मैं ये ट्रांसपेरेंट सेव बना रही हूँ, वाइट वाले। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि केवड़ा जल या फिर रोज़ वाटर। ये ऐड करके भी आप ये सेव बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। अभी मैं इसमें केसर ऐड करूंगी और फिर केसरिया सेव बनाकर दिखाऊंगी आपको। केसर फालूदा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप कुल्फी के साथ उसे सर्व कर सकते हैं, कलरफुल होता है। मैं यहाँ पे कलर ऐड नहीं करूंगी, येलो कलर के लिए मैं केसर ऐड करूंगी। ये केसर का पानी मैंने कुछ भिगाया था, ये केसर के थ्रेड्स मैं बचा लूंगी। सर्विंग, अगर मैं कोई पुडिंग बना रही हूँ या कोई ड्रिंक बना रही हूँ, तो उसमें हम सर्व करेंगे। और केसर का पानी हम यहाँ पे सेव बनाने में यूज़ करेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्सचर गर्म ही होना चाहिए। फटाफट हमें काम करना होगा, अदरवाइज सेव बनते नहीं हैं। अगेन हम इसमें मिक्स मिक्सचर को भर लेंगे और फिर सेव निकाल लेंगे इसके। हमने यहाँ पे जो सबसे पतले छेद वाले सेव का वो होता है जाली, वो हमने लगाया था। अभी हम एक दूसरा बोल लेंगे, आइस डाल के। एकदम चिल्ड होना चाहिए पानी। अब हम इसमें केसर वाले सेव निकाल लेंगे। तो हमारा ये फालूदा, केसरिया फालूदा भी रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का फालूदा भी रेडी किया है। ग्रीन कलर के लिए मैंने फूड कलर का यूज़ किया था, 1 पिंच फूड कलर। और फिर ग्रीन फालूदा भी आप इस तरीके से बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास तीन कलर के फालूदास रेडी हो गए हैं। आप किसी भी पुडिंग में, किसी भी ड्रिंक के साथ या किसी भी आइसक्रीम कुल्फी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और एंजॉय करें ये रेसिपी, ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।